हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विनायक कुकिंग एंड क्राफ्ट। आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही सुपर यमी डिलीशियस। आप देख रहे हैं ये रेसिपी कितनी अच्छी लग रही है, पता तो है ही आपको कि हमने ये क्या बनाया है। आज हमने बनाया है मैक्रोनी। तो चलिए इसका वीडियो आपके साथ शेयर कर देते हैं, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज हम वेज मैक्रोनी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल विनायक कुकिंग एंड क्राफ्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे फिर से बोल रही हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी ना तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स में, अपने परिवार वालों में हमारे इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। मैक्रोनी बनाने के लिए हमने जो भी सामान लिया है उसकी लिस्ट आपको एक बार दिखा देते हैं। हमने यहाँ पे ली है सब्जियाँ, आज हम वेज मैक्रोनी बना रहे हैं, तो इसमें सब्जियाँ हमने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रखी है। यहाँ पे हमने पत्ता गोभी, ब्रोकली, गाजर और शिमला मिर्च तीनों को ही कट कर लिया है, हमने सबको एक ही साथ मिक्स कर लिया है। हमने यहाँ पे एक शिमला मिर्च छोटे साइज का, और एक गाजर, और एक कप ब्रोकली, और दो कप के लगभग पत्ता गोभी को बारीक बारीक कट करके ले लिया है। इसके अलावा थोड़ी सी धनिया पत्ती, एक बड़े साइज़ के टमाटर को कट करके ले लिया है, और एक बड़े साइज़ के प्याज और एक हरी मिर्च को कट करके ले लिया है। इसके अलावा हमने कुकिंग ऑयल ले लिया है 2 चम्मच, और इसमें मसाले डालने के लिए हमने लिया है हक्का नूडल्स का मसाला। आप इसके जगह पे चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हो। और 2 कप हमने ली है मैक्रोनी। इसके अलावा हमने लिया है नमक और टोमेटो केचप। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है और उसमें पानी उबलने के लिए रख दिया है, और उसमें हमें इस मैक्रोनी को बॉईल कर लेना है। आप किसी भी बर्तन में पानी रख सकते हो बॉईल होने के लिए, और इस पानी में हम हल्का सा ऑयल डाल देंगे ताकि हमारी मैक्रोनी चिपके ना एक दूसरे में, और इस पानी में हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे। पानी हमारा बॉईल होने लगा है तो हमने इसमें मैक्रोनी को ऐड कर दिया है। आप चाहें तो फ्लेम को हाई करके रखिए और इन्हें ढक दीजिए ताकि ये जल्दी से बॉईल हो जाएं। अब ये मैक्रोनी काफ़ी बड़ी बड़ी हो चुकी हैं साइज़ में, और इन्हें हम एक बार चेक कर लेते हैं। अभी ये हल्की हल्की कच्ची लग रही हैं, तो इन्हें हम थोड़ी देर के लिए और छोड़ देते हैं बॉईल होने के लिए। और अब हम अपनी सारी मैक्रोनी को अच्छे तरीके से छान के निकाल लेंगे, पानी नहीं होना चाहिए इनमें बिल्कुल भी। और कढ़ाई को हम फिर से साफ़ करके गैस पे चढ़ाएंगे। अब हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे और इसमें ऐड करेंगे कटे हुए प्याज और हरी मिर्च को। प्याज को हमें हल्का सा फ्राई कर लेना है। थोड़ी देर तक हमने सब्जियों को भी फ्राई कर लिया है, तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1/4 टेबल स्पून नमक। हम यहाँ पे कम नमक ऐड करेंगे क्योंकि हम हक्का नूडल्स का मसाला ऐड कर रहे हैं जिसमें नमक की मात्रा पहले से ही होती है, तो आप इस हिसाब से ही नमक ऐड करें। बहुत ज़्यादा नमक नहीं ऐड करना है आपको। आप हक्का नूडल्स मसाले के जगह पर चाट मसाला या फिर मैगी मसाला भी ऐड कर सकते हैं, या अगर आप इसे बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं बनाना चाहते तो आप मसाले स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम इसमें टमाटर भी ऐड कर देंगे और इन्हें मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो लो फ्लेम पे इन्हें 2 मिनट के लिए ढक भी सकते हैं, जिससे सब्जियां आपकी थोड़ी और सॉफ्ट हो जाएंगी। तो चलिए इन्हें हम ढक देते हैं। 2 मिनट के बाद हमारी सब्जियाँ काफ़ी सॉफ्ट हो गई हैं, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हक्का नूडल्स का मसाला। तो हम यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून ऐड कर रहे हैं मसाले को, और इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें सॉस ऐड करेंगे, यानी कि टोमेटो केचप। तो हम यहाँ पे 2 टेबल स्पून टोमेटो केचप यूज कर रहे हैं, और इन्हें हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम अपनी मैक्रोनी उबली हुई जो है उसे ऐड कर देंगे। फ्लेम को हम लो रखेंगे और अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे।
एक मिनट तक इन्हें हम गैस पर रहने देंगे। एक मिनट हो चुके हैं तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और हमारी वेज मैक्रोनी बनके बिल्कुल रेडी है। तो ये है हमारी वेज मैक्रोनी, हमने इसे निकाल लिया है प्लेट में और ऊपर से हमने धनिया पत्ती से गार्निशिंग कर दी है। आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, तो आप ये बना के ज़रूर ट्राई करिएगा, अच्छी लगेगी। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी, और लाइक ज़रूर करिएगा हमारे वीडियो को। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल विनायक कुकिंग एंड क्राफ्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स।